తమ పిల్లలకు కరోనా వైరస్ ఎలా సోకుతుందో వివరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్. కరోనా వైరస్ ఏ మార్గాల్లో మనకు సోకుతుందో పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలన్నారు. మన ఎదుట ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా వాటి తుంపర్లు పడితే వైరస్ సోకుతుందని, అలాగే చేతులు ముఖం కళ్ళపై చేతుల్ని అద్దుకోవడం ద్వారా కూడా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందనే విషయాన్ని అర్థవంతంగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తల్లి తండ్రి మీద ఉందన్నారు కేజ్రీవాల్. छूने से होता है, जैसे आपको उसको समझाना पड़ेगा ये वायरस कैसे फैलता है. ये वायरस फैलता है अगर मैं, मान लीजिए मुझे बीमारी है, मैं आपके ऊपर सीधे खांस दूं या आपके ऊपर छींक दूं, आप मेरे साथ खड़े हुए हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं या खड़े हैं और मैंने आपके ऊपर छींक दिया या आपके ऊपर खांस दिया, तो वो जो मेरे थूक के कण हैं वो आपके ऊपर गिर जाएंगे, उसके ज़रिए ये वायरस आपके अंदर एंटर कर जाता है. दूसरी तरीका ये है वायरस के एंटर करने का कि मान लीजिए जैसे मैं बीमार हूँ, मैं खांस रहा हूँ, मैंने हाथ पे हाथ मुंह पे रखा तो वो जो थूक के कण है वो मेरे हाथ में आ गए. अब मैंने उसको यहाँ छू दिया, आप आए और आपने उसको छू दिया तो ये आपके हाथ पे आ गया और आपने अपने हाथ को मुंह पे, नाक पे या कान पे, यहाँ पे नाक पे, आँख पे या मुँह पे रखा तो ये आपके अंदर एंटर कर जाता है. तो ये दो तरह से वायरस फैलता है. तो भीड़ भाड़ इलाके के अंदर अगर आप जाते हैं, आपने कोई जगह जगह छुआ, हाथ लग गया आपका और वहाँ पे किसी वायरस वाले ने, किसी बीमार आदमी ने पहले से हाथ रखा हुआ है, आपको फैल जाएगा. दूसरा ये कि आप बाहर गए और किसी के बहुत क्लोज आ गए, जो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं कि हर व्यक्ति से मीटर दो मीटर की दूरी बना के रखें ताकि वो सीधे आपके ऊपर खांस ना सके, सीधे आपके ऊपर